कप क्वालिफायर में कल के मैचेस जो है वो होने हैं आयरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड और ओमान वर्सेस यूएई। यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो दो ऐसी टीम्स जो है वो आपस में भिड़ने वाली है, इसलिए इस मैच को कहीं ना कहीं हम कवर करेंगे। मैच प्रीव्यू और पोस्ट मैच एनालिसिस क्या आपके सामने रख रहे हैं ओमान वर्सेज यूएई। शुरुआत सबसे पहले करें, ओमान ने कहीं ना कहीं एक जबरदस्त धमाकेदार जीत के साथ शुरुआत की है इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आयरलैंड को हराकर जो कि फुल मेंबर है। वहीं पर यूएई की बात करें तो उनका सामना डेफिनेटली एक डेडली टीम श्रीलंका से हुआ, जहां पर ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि टीम जो है शायद जीत भी जाए, लेकिन कम से कम कुछ फाइट वाइट की उम्मीद थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं देखने को बहुत ही वन साइडेड और क्लीन विक्ट्री श्रीलंका को उस मैच में मिली है। अब दोनों टीमें आमने सामने हैं और एक चीज और है कि ये दोनों टीमें एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जानती हैं। वहां अगर हम देखें तो लगातार काफी मैचेस खेले हैं, प्रीमियर कप हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप, लीग टू हो, काफी लंबे वक्त से एक साथ और उससे पहले डिवीजन वगैरह में भी काफी लंबे वक्त से मैचेस खेल रहे हैं। तो ओमान और यूएई एक दूसरे की कमजोरियां और ताकत और बखूबी जानते हैं इन कंपेयर टू जिम्बाब्वे, आयरलैंड, जो भी और फुल मेंबर्स हैं उनकी बात अगर हम करें वो तो अपने स्ट्रांग दम के बेसिस पर टीम्स को अच्छे टीम्स को हराने में कामयाब रह रहे हैं। अब यहाँ बात करें तो जब ये दोनों वापस से भिड़ेंगे, आपको याद होगा आखिरी बार भिड़े थे एसीसी मेंस प्रीमियर कप के सेमीफाइनल में, जहां पर दो रन से डकवर्थ लुईस की वजह से यूएई जीतने में कामयाब हुआ था। उसके बाद अब ये सामना होने वाला है दोनों का इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में। सीधे शुरुआत दोनों टीम्स की प्रोबेबल 11 से। बिल्कुल, अगर हम देखें यूएई की बात करें पहले तो यूएई में एक ही चेंज होने की उम्मीद है, मोहम्मद जवादुल्लाह जो कि कल खेले थे लेफ्ट आर्म पेसर, वो बाहर बैठेंगे और उनकी जगह पर जुनैद सिद्दीकी जो कि पहले मैच में थे नहीं, वो उनकी जगह पर लेंगे। बाकी सेम वसीम, मोहम्मद वसीम है, रोहन मुस्तफ़ा है, वित्तीय अरविंद है, बासिल हमीद है, आसिफ खान है, रमीश शहजाद है, अली नसीर, अयान अफजल खान, कार्तिक मैयप्पन, जहूर खान और जुनैद सिद्दीकी जिन जो ये इंक्लूड होंगे। ये दिल्ली क्रिकेट की तरफ से प्रोबेबल 11 होगी यूएई की ओमान के लिए। बिल्कुल, वही ओमान की अगर बात करें तो ओमान के लिए भी वही कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 रहने वाली है जो उन्होंने कल मैच में खिलाई थी, और यहाँ पर कुछ चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल सकते क्योंकि विनिंग 11 है, उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहेंगे। सेम सिंपल सी कहानी, जतिंदर सिंह, कश्यप प्रजापति, आकिब इलियास, निशान मकसूद, मोहम्मद नदीम, अयान खान, उसके बाद नसीम खुशी, वही बात करें बिलाल, शोएब खान, बिलाल खान और फयाज भट्ट और जय उदेदड़ा, और ये कहीं ना कहीं जो प्लेइंग 11 है हमें खेलने को देखने को मिल सकती है इसी तरह पर। चलिए तो बात दोनों टीम्स की प्रोबेबल 11 की। अब कुछ पॉइंट्स भी यहां पर बात कर लेते हैं। यूएई की शुरुआत सबसे पहले करते हैं क्योंकि यूएई जो है अपना पहला मैच हारी और उनके लिए और ज्यादा क्रूशियल हो जाता है मैच, सबके लिए क्रूशियल है, एक मैच इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओमान के लिए और बड़ा मैच इसलिए हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी फुल मेंबर से दो मैचेस खेले तो उसमें से एक वो जीत चुका है। अब उनको दो एसोसिएट के खिलाफ खेलने, उसमें से इस मैच को अगर वो जीत जाते हैं तो बहुत ज्यादा हाई चांस रहेगा कि वो अपना एक पैर जो है वो सुपर सिक्स में रख चुके होंगे, क्योंकि वो जिस ग्रुप में वहां पर उन्होंने आयरलैंड को झटका देकर इस ग्रुप को बहुत ओपन कर दिया है। जैसे अगर ओमान इस मैच को जीतने में कामयाब रहता है तो आप यकीन मान के चलिए कि उनका एक पैर जो है वो ऑलमोस्ट सुपर सिक्स में होगा, वो सेकंड पैर ऑलमोस्ट अगर कुछ ड्रास्टिकली नहीं बदला तो उन पॉस्ट में नाकामयाब रहेंगे। इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा ओमान का, और यूएई के लिए तो सर्वाइव करना है तो इस मैच को हराने में जीतना ही जीतना होगा। रास्ते कुछ किसी के लिए कुछ बंद नहीं हुए, एक ही मैच आ रहे हैं, रास्ते बंद नहीं हुए, लेकिन ओमान के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा अगर वो जीतते हैं तो, और यूएई के लिए सर्वाइव करने के लिए आसानी हो जाएगी। एंड यूएई का सबसे पहला पॉइंट, दो पॉइंट्स आप अपने पिक किए जो बहुत क्रूशियल है, पहला पॉइंट क्या होगा? नहीं जरूर, देखिए अगर हम बात देखें यूएई के बल्लेबाजों को जिस तरीके से वो आउट होते हैं एक स्टार्ट मिलने के बाद, ये बड़ा सिरदर्द बना हुआ है यूएई के लिए कम से कम 10-15 मैचों से। बिल्कुल, जिस तरीके से शुरुआत मिलती है 15-20 रन उन्होंने बनाए और 20-25 बॉलें 30 बॉलों तक 40 बॉलों तक वहाँ पर बल्लेबाज जा रहे हैं और रन कर आउट हो जा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। जब आप सेट हो जाते हैं, जब आपकी आंखें जम चुकी हैं तब भी आपको दिक्कत आ रही है, यानी कि आप जमने में आप उस चीज़ को पेशेंस लेवल खो रहे हैं अपना, और कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि आप शायद देख नहीं रहे कि बॉल पड़ रही है, कहाँ जा रही है, बस आप खेल रहे हैं, आप खेल रहे हैं, हाँ यहाँ खेला मैंने, ये टिक गया, ये भी एक चीज़ होती है। अब टिकने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने वाह क्या रीड किया है गेम को कि 40 बॉलों तक वो टिक गए। 40 बॉलों तक टिकना कोई रीड करना नहीं होता वनडे और टेस्ट क्रिकेट में, बिल्कुल बिल्कुल एक आम सी इनिंग है, हाँ कोई भी खेल सकता है। T20 में 40 बॉलें बहुत हो जाती है, उसमें तो वो तो अलग ही लग जाती, लेकिन यहाँ पर जितना लंबा फॉर्मेट होगा ये आपकी 40 बॉले एक छोटा सा बहुत ही छोटी सी एक कंट्रीब्यूशन है जो कि किसी अनलेस आप लोअर ऑर्डर में ना, नहीं लोअर ऑर्डर की तो बात अलग है, यहाँ पर जो बल्लेबाज हैं टॉप ऑर्डर की बात, मिडिल ऑर्डर के ये ऐसे खेल कर जा रहे हैं, तो यूएई के लिए सबसे पहली चीज यही होगी कि वो अपने बल्लेबाजों को यही कहे, कप्तान साहब साथ में मिलकर ये कहे कि भाई हमें 60-70 रन का पहाड़
खेलना है, अच्छी पारी खेलनी है, 80-90 बॉलें खेलनी है, तब जाकर कुछ बेहतर इनिंग हम खेल पाएंगे। दो तीन बल्लेबाज मिलकर अगर हम खेलें तो टीम एक बहुत बेहतर टोटल तक पहुंचेगी। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। 20-25 पर आकर हर प्लेयर अपने अपना जो दम है वो तोड़ देता। बिल्कुल, क्योंकि यूए का अगर आप देखेंगे ना लास्ट कुछ मैचेस से, तो उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट बड़ा पड़ा है बैटिंग यूनिट में। पूरी टीम ने मिलकर कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा दिया हो वो बहुत रेयर ही देखने को मिलता है। कभी कभी एक आसिफ खान की ऐसी इनिंग आ जाती है कि स्कोर 312 होता है, कभी कभी मोहम्मद वसीम की एक इनिंग ऐसी आती है तो आउटस्टैंडिंग, कभी कभी वृत्ति आर्मी की आ जाती है, इस वजह से वो लगता है कि वाह कितना बड़ा स्कोर हो गया। लेकिन एज अ टीम पूरी बैटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन वो बहुत लेस रहता है और इसी वजह से टीम इंपॉर्टेंट क्रूशियल इवेंट्स पे मैच गवा बैठी है। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू में बैक टू बैक नेपाल के खिलाफ लगातार मैचेस हारना, उसमें ये बड़ा सरदर्द था। उसके बाद ये स्टार्ट मिल रहा लेकिन प्लेयर जो है उसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। उसके बाद एसीसी प्रीमियर कप में भी यही सरदर्द टीम लेकर उतरी और उनका हाल खस्ता हो गया कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, फाइनल में तो और बुरा हाल हुआ। वहीं पर बात करें हम प्लेऑफ में, वहां पर भी पहला मैच वो हारे थे और वहां पर स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे। उसके बाद बिल्डअप किया आसिफ खान वगैरह ने, देख लीजिए वहां पर ऐसे नहीं है, आप ही वही आसिफ और मोहम्मद वसीम रन्स किए, ये बात है। वहां पर आप देखेंगे तो 3-4 कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं है बैटिंग में, 1-2 कॉन्ट्रीब्यूटर आपको मिलेंगे टूर्नामेंट की। अगर हम बात करें बिल्कुल सही कहा आपने, ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आ रही है। चौका मार दिया तो उन्हें लगा अरे वाह यार बेहतरीन शॉट मैंने मारा, 4 रन निकल गए। फिर से एक बॉल ऑफ साइड पे आ रही है और उन्हें लगा कि ये वाली बॉल भी वापस से उधर ही ट्राई करूंगा और वो मारने का एज हो गए। लेकिन वो ये पढ़ना भूल गए कि ये बॉल ऑफ साइड पे आ तो रही है लेकिन इस बार बॉलर ने अपना वेरिएशन थोड़ा सा चेंज कर दिया था, थोड़ा सा पेसर ने अपनी पेस स्लो कर दी थी, ये चीज पढ़ने में दिक्कत हो रही है और इसी वजह से वो 10-15 तक तो पहुंचते फिर उसके बाद गाड़ी उनकी रुक जा रही है। ये बड़ा कंसर्न है जो यूएई को ध्यान देना होगा इस मैच में। यहाँ पर ओमान के साथ है, आप थोड़ा सा लेवल नीचे आए, डेफिनेटली बात है श्रीलंका से आप काफी नीचे यहाँ पर आए हैं, लेकिन डेफिनेटली फिर भी आपको अपना बेस्ट क्रिकेट खेलना होगा क्योंकि ओमान भी एक अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है। सेकंड जो उनका पॉइंट रहेगा यूएई के लिए वो हो जाएगा कि ओमान का जो टॉप ऑर्डर है उनके खिलाफ कुछ बेहतर प्लान्स लेकर आने का, प्लान के साथ उतरने का। एंड प्लान से क्या मतलब है? जरूर देखिए, अगर आप देखें जिस तरीके से ओमान के जो बॉलर्स हैं वो जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया था, माफ कीजिएगा यूएई के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यूएई के बॉलर्स को एक स्पेशल प्लान लाना होगा, ये सीखना होगा उन्हें ओमान से जो ओमान ने आयरलैंड के खिलाफ किया था। और यूएई ने भी किया होगा, ऐसा नहीं है कि यूएई ने कभी किया ही नहीं है ये सब चीजें। कोच कप्तान ने मिलकर कोई ना कोई विकेट, कोई ना कोई 2-3 विकेट के लिए प्लान बनाए होंगे, तो ये यहाँ पर एग्जैक्टली करने की जरूरत है ओमान के टॉप ऑर्डर के खिलाफ, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन अभी टच में है। अगर आप देखिए जब से उन्होंने उसके बाद यहाँ पर ये पहला गेम खेला इस क्वालिफायर का, उसमें भी जिस तरीके से ऊपर के बल्लेबाज परफॉर्म कर रहे हैं बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग है सामने वाली टीम के लिए। रोक दिया तो बहुत फायदा होगा, दो से तीन बल्लेबाजों को अगर आपने रोक दिया वाकई में, शुरू के 15 ओवर में 2-3 बल्लेबाज पेविलियन लौट गए तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है यूएई को। बिग एज यूएई को चला जाएगा थ्रू आउट द मैच, ऐसा नहीं कि खाली कुछ वक्त के लिए, आप थ्रू आउट द मैच के लिए काफी वक्त से आगे रहेंगे अगर आपने शुरू के 15 ओवर में ओमान के 2-3 विकेटे निकाल जी हाँ 2-3 विकेटों से। यहाँ क्लियरली आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं उन 4 बैट्समैन की, कश्यप प्रजापति जतेंद्र सिंह आकिब इलियास और जिसान मक्सूद। आसान है नहीं लेकिन करना आसान होगा क्योंकि सर्वाइव आपको करना है, यहाँ पर हर हाल में करना होगा। और जैसे हमने पहले भी कहा कि दोनों टीम बहुत अच्छी तरह एक दूसरे को जानती है, तो यहाँ पर यूएई को पता होगा कि ओमान के बैट्समैन की क्या कुछ कमजोरियां हैं, क्या कुछ ताकत है, वही ओमान को भी ऐसे पता होगा उनके बारे में, तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यूएई को अपना सब कुछ यहाँ पर लगाना होगा इन दो पॉइंट्स के जरिए। ओमान के लिए जो पॉइंट्स यहाँ पर हो जाएंगे वो सबसे पहला पॉइंट क्लियरली रहेगा कि मोहम्मद वसीम और आसिफ खान को रोकना होगा। बिल्कुल इन दोनों को अगर आप स्कोर करने से रोकते हैं तो बहुत, और आप नहीं रोक पाए तो फिर स्कोर काफी बड़ा देखने को मिल सकता है। और अगर आपने रोक दिया मोहम्मद वसीम और आसिफ खान को जल्दी में कैसे निपटाने की कोशिश की और इनको आप निपटाने में कामयाब हो गए तो इतना बड़ा स्कोर आपको किसी भी सूरत में नहीं मिलने वाला कि जो ये कहेंगे अरे तो अनचेजेबल नहीं, ऐसा कभी होगा। और अगर यूएई चेस कर रही होगी तो उनको काफी वक्त लग जाएगा, उनका रन रेट स्लो हो सकता है, ये तो पूरा जो दमदार है वो आ जाएगा रोहन मुस्तफा और वृत्ति अरविंद पर, उसमें जो वहां पर उतनी तेज रन करने के लिए इतने जाने नहीं जाते। कभी कभार रन तेज करते लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम्स उनका वो 60-70 था और मैच वो फर्स्ट ओवर बहुत नीचे तक जाएगा, इसीलिए मोहम्मद वसीम को सबसे पहले निपटाना होगा। उसके बाद नीचे जब आसिफ आएंगे उनको भी जल्दी रफा दफा करना होगा, तब जाकर आप इस मैच में पूरी तरह से बने रहेंगे और 100 ओवर तक
जो 100 ओवर का मैच होता है पूरा 100 ओवर तक आपके चांसेस खुले के खुले रहेंगे कि नहीं ओमान अभी भी मैच में बना हुआ है। एंड सेकंड पॉइंट ओमान के लिए क्या रहेगा? बिल्कुल, सेकंड पॉइंट से पहले छोटे से जल्दी से जानना चाहूंगा मैं फटाफट कि इन दो प्लान क्या कौन सा इनमें से काम करेगा आपके हिसाब से, कि रन खर्च कर कर इन दोनों को आउट करना या फिर डॉट बॉल्स को इनके सामने बढ़ा देना जिससे कि ये दोनों आउट होने के चांसेस बढ़ जाए। तो इन दोनों में से आप क्या देखते हैं, डॉट बॉल्स को बढ़ाना या ओमान के बॉलर्स के लिए कि वो डॉट बॉल बढ़ाए इनके सामने या फिर रन खर्च कर दे 30-40 रन है ना और विकेट ले जाए इनका? बिल्कुल, आप क्या बेहतर समझते हैं? तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ ये होगी कि मोहम्मद वसीम के खिलाफ जो है वो डॉट बॉल्स के लिए जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मोहम्मद वसीम जब बैटिंग करने के लिए आते हैं तो वो होता है पावर प्ले के अंदर, और तब उनके मन में एक लालच जगेगा कि वो जो है अब जब रन नहीं आ रहे तो मैं तो कोई बात नहीं ये 4-5 लड़के जो है इनके ऊपर से निकाल देता हूँ, ये लालच उनके अंदर आएगा। तो मोहम्मद वसीम पे उन्हें डॉट बॉल्स निकालने की कोशिश करनी होगी, प्रेशर बनाना होगा कि नहीं रन तो हम नहीं देंगे, सिंगल्स भी आप दे देंगे, आपको शॉट ही उठाना पड़ेगा और उसमें एक आध शॉट जाएगा भी लेकिन उसमें आपको विकेट मिलने के चांसेस रहेंगे। तो मोहम्मद वसीम के खिलाफ आपको उनको डॉट्स खिलानी होगी और आसिफ खान के खिलाफ आप रन खर्च कर सकते हैं। क्यों? आप फ्लाइट दे सकते हैं कि चलिए आप मारिए, क्यों? क्योंकि उस वक्त आपके पास पीछे फील्डिंग करने का ऑप्शन रहेगा, बस ये एक प्लान है जो काफी बेहतर हो सकता है। तो आपके प्लान तो आसिफ अगर मारते भी है तो एक दो बॉल, क्योंकि जिशान और जय जो है वो अच्छे बॉलर हैं, जिशान जो है अच्छे स्पिनर है, अगर उनकी बॉल पड़ के तो हल्की सी टर्न होती है और आसिफ शॉट ले जाते हैं, डेफिनेटली आए जोकर बॉल खड़ी हो सकती है और आपको एक विकेट मिल सकता है। तो ये प्लान कहीं ना कहीं दोनों के लिए बेहतर रहने वाला है। एंड पॉइंट नंबर टू, जरूर देखिए पॉइंट नंबर टू जो है वो ओमान के लिए एक बेसिक के तौर पर है कि ओमान को ज्यादा जो है गलतियां ना दोहराए तो बेहतर होगा। जिस तरीके से उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अपना एक नियर परफेक्ट गेम दिखाया, परफेक्ट तो होता नहीं है कुछ, नियर परफेक्ट गेम दिखाया है, तो वहां पर उस चीज को ही यहाँ दोहराए जिस बॉलर्स ने आप प्लान कर रहे हैं। आप देखें सामने क्या बेहतरीन तरीके से ओमान के बॉलरों ने वहाँ पर कप्तान और बॉलर्स से मिलकर, कोच ने मिलकर बहुत बेहतरीन प्लान बनाया कि एक चौका गया फिर उन्होंने उस गलती को दोहराया नहीं। ये चीज़ें यहाँ हम देखना चाहेंगे यूएई के खिलाफ कि ओमान सेम चीज़ यहाँ करे, गलतियाँ इतनी ना दोहराए कि उस जगह पर बॉल डाल रहे हैं जहाँ फिल्टर मौजूद नहीं है या फिर आप फिल्टर ले रखा है तो आप वहाँ बॉलिंग नहीं करा रहे, इन सब चीज़ों से बचने की ओमान को ज़रूरत है। एक्स्ट्रा पे थोड़ा ध्यान दें, 11 या 12 एक्स्ट्रा आपने डाले थे उस पर थोड़ा कंट्रोल करिए, एक एक रन से टीम हारती है, बस यही कहना है। बाकी आपने बहुत बेहतर खेला था, आपकी बॉलिंग यूनिट ने, आपकी बैटिंग यूनिट ने, बस गलती करने से बचना है, यही डेली क्रिकेट कहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये दो चार मेजर पॉइंट्स यहाँ पर निकल कर आए थे। और ओवरऑल जैसे हमने वापस से एक चीज रिपीट करेंगे जो हमने शुरू में भी कहा कि ओमान और यूएई जो है वो काफी क्रिकेट आपने आमने सामने खेले हैं, दोनों एक दूसरे की कमजोरियां और ताकत बहुत बखूबी जानते हैं, तो इस लिहाज से ये मैच काफी कंपेटिटिव यहाँ पर होने की उम्मीद है और देखना होगा कि कौन इस कंपेटिटिवनेस में एट द एंड रिजल्ट लेकर आता है, क्योंकि वही एट द एंड सबसे ज्यादा मैटर करता है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स में कितना कंपेटिटिव रहा क्या रहा कुछ मैटर नहीं करता, आप यहाँ पर पॉइंट्स के लिए खेल रहे हैं ना कि कंपेटिटिव के लिए, चलो हम थोड़ा टक्कर देकर घर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप सब अपने सब टीम जीत के लिए खेल रही है, पॉइंट्स के लिए खेल रही है, अपने देश के लिए खेल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा मैच जरूर देखने को मिले। डेली क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, पोस्ट मैच एनालिसिस से लेकर सारी कंप्लीट वर्ल्ड कप क्वालिफायर की एवरेज क्या कवरेज जो है वो डेली क्रिकेट चैनल पर लगातार जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना।